यहाँ पे थोड़ा सिंपल ले आते हैं तो मतलब एकदम सब वो तो भी है सब यहाँ पे अभी आप अपने राइट से देखो सब लोग आपके राइट में दादा हिलो मतलब एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट मैम स्ट्रेट अच्छा लगने लगा क्योंकि हमें रिव्यूज काफी अच्छे मिले हैं, जितने भी रिव्यूज अभी तक आए हैं 3.5-3 तो स्टार्स मिल रहे हैं एंड बहुत अच्छे मतलब स्टार्स से ज्यादा फिल्म की बात बहुत तारीफ हो रही है, हमारे काम की तारीफ हो रही है, तो वी आर सो हैप्पी। माय हार्ट बीट इज रेसिंग लाइक एनीथिंग, आई मीन दिस इज द एक्साइटमेंट नॉट द नर्वसनेस। तो कुछ आपके दोस्तों या कुछ क्रिटिक्स से आप लोग आपको कुछ कॉल या मैसेज या कुछ आप लोगों को ऐसा कुछ आया कि भाई पिक्चर तो बहुत ही अच्छी, ऐसा कोई कमेंट या ऑफ कोर्स जो जितने रिव्यूज सबने 3 और 3.5 स्टार्स दिए, बहुत अच्छे रिव्यूज दिए, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा है और हम शुरू से बहुत कॉन्फिडेंट थे लेकिन एक स्टैंप लग जाती है तो वो लग गई है। वही जब तक आप बिगिनिंग क्या हमें क्या लगता है कि आपने एग्जाम्स दिए हैं अब उसका रिजल्ट आ रहा है, लेकिन रिजल्ट जब शुरू में ही आपको अच्छे परसेंटेज मिल रही है सो अब कॉन्फिडेंस आ रहा है एंड एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है एंड आप लोग अभी सब देखेंगे फिल्म और जितनी फिल्म फ्रेटर्निटी हमारी आई है फिल्म देखने के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं दिखाने के लिए क्योंकि अभी बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया हमारा। सो डंडे वाली बात मतलब वो मेरा डंडे वाला डायलॉग बहुत फेमस हो गया है और जितने भी हमने प्रमोशन किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है सबने मुझे बाद में बोला है कि वो जरा डंडे वाला डायलॉग बोला, तो मैंने हर जगह बोला है। ये क्या हम बचपन से जो भी डायलॉग फेमस हुए हैं उनको रिपीट करते आते हैं और एक बार आपके डायलॉग फेमस हो जाते हैं तो आपके ना एक उनसे रिलेशन बन जाता है ऑडियंस से, जैसे हमें जो बच्चन साहब के कितने डायलॉग्स अभी तक हमें याद है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह, है ना, मर्द को दर्द नहीं होता, तो ऐसे ही जब ये डायलॉग्स फेमस होते हैं तो आप लोगों के एकदम दिल में उतर जाते हो, तो वही हमारी फिल्म के साथ और हमारे डायलॉग्स के साथ हो रहा है, सो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। सिद्धार्थ मल्होत्रा उसके अंदर है, सुनील शेट्टी जी भी हैं उसके अंदर एंड वो फिल्म हमने मायामी और बैंकॉक और बॉम्बे में शूट की है, फिल्म कंप्लीट हो चुकी है और 25 अगस्त को रिलीज हो रही है। फुल एक्साइटेड बिकॉज दैट्स अ फुल एक्शन फिल्म और आपको दर्शन उसमें डिफरेंट तार में देखने को मिलेगा। आप बताइए किसके बाद आप क्या करने वाली हैं, आप हमें कहां जलवे दिखाएंगे आप अपने? फिलहाल तो मैं इस फिल्म की सक्सेस एंजॉय करने वाली हूं और इतनी जल्दी भी क्या है, इस फिल्म ने बहुत मेहनत की है, प्रमोशन हमने इतना जी तोड़ के किया है तो मेरा पूरा हक है इसकी सक्सेस एंजॉय करने का और आई एम श्योर इस फिल्म के बाद मुझे उस तरह के कॉल आएंगे जिस तरह की फिल्म में करना चाहती हूँ, तो कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कर लेंगे। सर किस हीरो के साथ काम करने की इच्छा भी रखती है? ये क्वेश्चन लास्ट बार भी पूछा था, मैंने सेम जवाब दिया था, कोई विश लिस्ट नहीं है, अच्छा काम मिलना चाहिए किसी के भी साथ। जी देखो हमने बहुत दिल से फिल्म बनाई है और आपके दिल में उतरेगी और वो क्रिटिक्स के दिल में उतर चुकी है, हम बस वेट करें आपके दिल में उतरे और आप लोग उसे पसंद करें, तो प्लीज कल आपके नज़दीकी सिनेमा घर में फिल्म लग रही है, प्लीज़ जाएं और उसे देखें और एंजॉय करें।
बहुत अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं क्रिटिक से, जो मतलब हम लोगों ने सोचा तो था कि अच्छे रिव्यूज आएंगे, पर ये तो कुछ और ही हो गया है। तो प्लीज थिएटर में जाओ, फिल्म देखो, बिल्कुल मिस मत करना, नहीं तो डंडवा देगा। जी जी, मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और उनकी मेन क्या थी, वो उनकी एक्टिंग के तो हम कायल थे ही, उन्होंने जितने डिफरेंट डिफरेंट रोल किए हैं और उनकी खूबसूरती तो मैं माशाल्लाह मतलब बहुत हो रही है। तो आज ये सुन के थोड़ा दुख हो रहा है कि उनकी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं उनकी जल्दी रिकवर करने के प्रे करता हूँ और मुझे लगता है जल्दी वो फाइटर हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। विनोद खन्ना जी, सब लोग जानते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग गाइज इन फिल्म इंडस्ट्री ही इज, और आज मैंने उनका एक फोटो देखा ट्विटर पे जिसमें बहुत ही वीक वो दिखाई दिए, मतलब ऐसे एक ऐसे कांच के टूटने की सी आवाज़ एक आती है, दिल में बहुत दुख हुआ वो फोटो देख के। और आई रियली रियली विश कि मैं प्रे करती हूँ भगवान से कि बहुत जल्दी उनकी सेहत में सुधार हो और वो इतने जो गुड लुकिंग और चार्मिंग जो हमेशा दिखते रहे जल्दी से वैसे वापस दिखना शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच। तेज़ हो रही है क्योंकि अभी बस थोड़ी देर में फिल्म शुरू होने वाली है, फिर कल फिल्म रिलीज़ होगी, फिर इतिहास का एक हिस्सा बन जाएगी। तो आई थिंक किसी भी एक्टर के लिए बहुत ही बड़ा एक क्षण होता है क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना हमें कष्ट उठाते हैं, लेकिन फिर आज वही दिन है, वो घड़ी है जब वो फिल्म रिलीज़ हो रही है। आप कुछ किरदार के बारे में जानना चाहेंगे कि फिल्म में बहुत सारे ट्रेलर में हमने देखा बहुत सारी गालियाँ हैं, बहुत आप क्या कर रहे हैं ट्रेलर, आप फिल्म में आप क्या कर रहे हैं? देखिए फिल्म में जो है मेरा जो किरदार है उसका नाम है संजय, अपना पांडे हैं उसका नाम, पांडे जी। तो पांडे जी जो है बड़े बाप के बिगड़े हुए बेटे हैं और मिर्जा जूलियट से प्यार हो जाता है और उसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उस जद्दोजहद में वो लड़की जो है मिर्जा के प्रेम में पागल हो जाती है और भाग जाती है और फिर हम उनके पीछे भागते हैं। तो यही पूरी कहानी है, इसलिए कैट एंड माउस स्टोरी, कॉमन जेरी, और फिर जो होगा आगे देखेंगे। गालियाँ तो खूब, एक लाइन जो सब बहुत बात बोलते हैं, बोलते कि अरे वो शेक्सपियर की झूले एक चुम्मा दीजिए ना, तो ऐसा वाला लाइन है। और व्यूअर्स से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे दर्शकों से बस यही इल्तिजा है, यही कामना है कि कल फिल्म रिलीज़ हो रही है, हालांकि बहुत बड़े सितारे नहीं हैं, लेकिन हम लोगों ने कुछ अभिनेता है जो मिलकर ये फिल्म बनाई है, जाइए देखिए, और अगर बुरी भी लगे तो बताइएगा, अच्छी लगे तो बताइए। गालियाँ वालियाँ तो ज्यादा नहीं है, वो एक लैंग्वेज का फ्लो है, पर्पसली कोई गालियाँ दी नहीं गई हैं इसमें। और हाँ, ऑब्वियसली ट्रेलर का जो रिस्पॉन्स मिला बहुत लोगों ने बहुत एंटरटेनिंग बोला, और कुछ क्रिटिक्स हैं जैसे सुभाष झा जी ने फिल्म देख के उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू दिया फिल्म का, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। कुछ कहना चाहेंगे अपने चाहने वालों के लिए कल पिक्चर रिलीज है? हम कहना चाहेंगे फिल्म देखिए, एंजॉय कीजिए, आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।